खबर सिंगरौली जिले से है, जहां डीएमएफ से 104 करोड़ देने के बाद भी गांव आज भी अंधेरे में है। देश का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला जिला सिंगरौली है, जहां लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अभी तक आदिवासी बेल्ट में नहीं पहुंचा, जिसके कारण गाँव अंधेरे में है। जान जोखिम में डालकर खुद के बांस बल्ली के सहारे मोटर पंप चला रहे हैं, जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है, जबकि विभाग बिजली का बिल पूरा वसूला जा रहा है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जो एशिया का सबसे बड़ा पावर हब है, लेकिन दिए तले अंधेरे वाली कहावत यहाँ लागू होती है। चितरंगी विधानसभा के ग्राम अजनी भौदर सहित बगदरा इलाके में कई गांव आज भी बिजली विहीन है। केंद्र और प्रदेश में करोड़ों फूका गया, लेकिन आज तक कई गाँव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। इलाके में काफी दूर तक बिजली के पोल खड़े हुए हैं, लेकिन गांव तक केबल और ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। थक हार कर ग्रामीण खुद ही बांस बल्ली गाड़कर अपने घरों खेतों तक बिजली लाए और मोटर पंप चला रहे हैं, साथ ही हर महीने बिजली विभाग को बिल भी दे रहे हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद अब अधिकारियों दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बिजली विहीन इलाकों को पोल तार ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के ग्रामीणों ने क्या बताया है। ग्राम भवनार है। कौन सी विधानसभा लगती है? चितरंगी विधानसभा। चितरंगी पुल तो लोग अपने से खंभा गाड़ के लाइट टर्न के ले गए हैं। ये तो बिजली विभाग की कमी है कि उसको पोल नहीं गाड़ रहा है, सर्वे नहीं करवा रहा है। कई एक बार आदमी यहाँ दिया, अभी एक सप्ताह पहले जो है जिला पंचायत सदस्य आई थी यहाँ पे, वो सब लिख पढ़ के ले गई हैं संभव मार्गे देखिए जब तक मैं गड़े। तो विधायक उधायक से कभी नहीं बात की इस मामले में? बात करते हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, सब आश्वासन देकर के अधिकारी अफसर हो गया, आज गड़ जाए कल गड़ जाएगा, ये सब कह के। आप लोगों को कनेक्शन सभी का है? सब कहा कनेक्शन है, लेकिन केबल नहीं बिछाई गई। बिल आती है? बिल आती है बड़ा, तो बड़ी समस्या होती होगी भाई। अब कहा देखिए, यहाँ से लोग अपने से एक एक किलोमीटर ले गए हैं, वहाँ जो है मोटर नहीं चल पाते हैं, मोटर का बिल आ रहा है, घर का बिल आ रहा है, लोग भर रहे हैं, मजबूर हैं। मजबूर हैं लोग, मजबूर है, क्या करें, गरज है पानी पीने के लिए, मोटर चलाना है, कुआं तो रह नहीं गई, सब जगह जो है बोरे है, कुआं कहीं गांव में नहीं है, बोर के आगे सब कुआं खत्म हो गया, कुआं का युग खत्म हो गया। अपने चितरंगी ब्लॉक में दो गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोग बल्ली और बांस के सहारे कई किलोमीटर तक लाइन अपने से खींचे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है, और क्या वजह है कि अभी तक वहां पोल नहीं गढ़ पाए? ये अभी वायरल वीडियो के माध्यम से जो है हम लोगों के पास संज्ञान में आया है कि अजनी और बढ़ार गाँव जो हमारे बड़गांव रिफंड केंद्र में आते हैं, वहाँ पर ये संज्ञान में आया है कि हमारा जो है बांस बल्ली के सहारे जो है लोग ये इसका विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। इसके संबंध में जो है हमारे चितरंगी ब्लॉक हेतु जो है जिला क्रय समिति के माध्यम चितरंगी ब्लॉक में हमारे डीएमएफ के माध्यम से जो है कुछ राशि प्राप्त हुई है 53 करोड़ के करीब, जिसमें चितरंगी ब्लॉक का विद्युतीकरण और ऐसे जगहों पर जहाँ पर खंभे नहीं पहुँच पाए वहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। निविदा प्रक्रिया हो चुकी है और संभवतः जो है अगले माह तक में जो है ये कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, और ऐसे समस्त छूटे मजरे टोले जो छूट गए हैं उनके हम विद्युतीकरण की कार्रवाई करेंगे। और ये समस्या गांव है वहाँ पर आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, खंभे तो गड़े हैं लेकिन तार नहीं है, फिर भी लोगों के घरों के जो बिजली के बिल हैं वो बिजली विभाग पैसे वसूल रहा है।
सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जिले सिंगरौली में जितने भी इस तरह के गांव हैं उसमें डीएमएफ फंड से जो है जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन गांवों में हम लोग जो है 102 करोड़ जो है राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उन गांव में विद्युतीकरण करेंगे। जहां तक प्रश्न यह है कि पोल गड़ा है और विद्युत उनके घर तक नहीं पहुंचा है और यदि विभाग जो है बिल दे रहे हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो है ऐसे बिल का माफ कराएंगे और संबंधित जो कर्मचारी है जो जिन्होंने गलत मतलब बिल दिया है लोगों को भुगतानों को उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई करने के निर्देश देंगे।